अब खैर मकदम करते हैं आपका, आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कहाँ रहते हैं आप, और ये जो गाना आपने गाया है इसको किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है और कितना टाइम लगा आपको इसको बनाने में? अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अजीज साउथ कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, अनंतनाग से। काफ़ी दिनों से मुझे सुनने में आ रहा था मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए कुछ गाऊँ, क्योंकि मैं सिंगर हूँ तो उनके लिए कुछ सॉन्ग बनाऊँ। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके कामों से बहुत मुतासर हूँ। तो फाइनली मुझे एक हफ्ता लगा मुझे सॉन्ग तैयार करने में, लिरिक्स वगैरह कंपोज फिर किया, तो फाइनली हो गया है। किस किस ने मदद की है? मेरे लिरिक्स में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो फिर सजाद भाई और इश्तियाक भाई ने मेरी मदद की। अच्छा, मोदी जी जो है श्रीनगर आए हुए हैं आज, कितने खुश हैं आप? बहुत 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 ज़्यादा खुश। क्या एक्सपेक्टेशन है? बहुत सारी आशाएं, बहुत उम्मीदें हैं उनसे। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंज हैं कश्मीर में, बेरोज़गारी का मसला है, हमारे अनंतनाग में हॉस्पिटल का मसला है, और यहाँ पे जो यूथ है वो ड्रग की ओर ज़्यादा जा रहा है। वो भी उम्मीदें रखते हैं कि सब
ठीक करेंगे इंशाल्लाह। आपने कभी सोचा था कि आप एक सॉन्ग बनाएंगे और जो वायरल हो जाएगा और आप काफी मशहूर हो जाओगे, कभी सोचा था आपने? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। तो अभी आप कितने खुश हैं? बहुत, सभी बहुत। नेशनल चैनल्स पे आपका ये सॉन्ग चल रहा है। बहुत बहुत ज्यादा खुश है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या आप श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बिल्कुल, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर मिलेंगे उनसे। आप जरूर मिलना चाहते हैं? इंशाल्लाह मैं जरूर मिलना चाहता हूँ, बहुत बड़ी खुशी होगी मुझे। फैन क्यों है आप? क्या उसने कौन से ऐसे काम किए हैं जैसे कि आप फैन हो गए उसके? बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जो अभी कर रहे हैं, जो किए हैं, तो उनसे मैं मुतासिर बहुत हूँ। हाँ, वो हिंदुस्तान के लीडर नहीं है, पूरी दुनिया के लीडर हैं। पूरी दुनिया के लीडर हैं। बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि मोदी सरकार फिर से आ जाए? इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। तो आप अभी खुश हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश।